शिव का नाम लो, शिव का नाम लो, हर संकट में ओम नमो शिवाय, बस ये नाम जपो, शिव का नाम लो। जय शंभू कहो, जय शंभू कहो, जब कोई मुश्किल आन पड़े तो भोलेनाथ रटो, शिव का नाम लो। इतना जान लो, शिव का नाम लो। जय शंभु कहो, जय शंभु कहो, जब कोई मुश्किल आन पड़े तो भोलेनाथ रटो, शिव का। शिव का नाम लो, शिव का नाम लो, हर संकट में ओम नमो शिवाय, बस ये नाम जपो, शिव का नाम लो। जय शंभु कहो, जय शंभु कहो, जब कोई मुश्किल आन पड़े तो शिवशंकर, जय भोलेनाथ। राजपुरोहित शंभुनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज की जय हो।
महाराज, शिव महापूजा का इतना बड़ा अनुष्ठान क्या आपने कभी देखा है इस जीवन में? सचमुच यह अनुष्ठान अद्भुत है राजपुरोहित जी, अद्भुत है। यह तो कुछ भी नहीं महाराज, इस आराधना अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो हमने आपको अभी तक बताया ही नहीं। हाँ, आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे महाराज। राजपुरोहित जी, इस महान शिव पूजा अनुष्ठान का और कौन सा विधान शेष रह गया है? भगवान शिव का सारे राज्य के दूध से अभिषेक। लोग तो केवल पंचामृत अभिषेक करते हैं, परंतु भोलेनाथ का अपने राज्य की दूध की हर बूंद से अभिषेक आज तक न किसी राजा ने किया होगा न करेगा। यह कैसे संभव है राजपुरोहित जी? राजा चाहे तो क्या नहीं हो सकता महाराज। कठोर आदेश निकालिए कि जिस प्रजाजन के पास जितना भी दूध हो वो शिव मंदिर के दुग्ध भंडार में लाकर जमा करें, एक बूंद भी कोई प्रजाजन अपने उपयोग में न लाए। राजपुरोहित जी, शिव पूजा के लिए इतना कठोर आदेश देना क्या उचित होगा? धार्मिक कार्यों में क्या उचित है और क्या अनुचित, यह हम आपसे अधिक जानते हैं महारानी जी। क्षमा करें महाराज, यदि भगवान शिव का महान दुग्धाभिषेक नहीं हुआ तो इतने बड़े अनुष्ठान का कोई अर्थ नहीं है, आपकी शिव पूजा अधूरी रह जाएगी। महाराज, भगवान शिव को भी एक बार सोचना ही पड़ेगा कि इस संसार में हमारे जैसा धर्म पुरोहित और आपके जैसा राजा भी है जिसने ऐसा अनोखा अनुष्ठान किया है। हम तो अपने आने वाली संतान की मंगल कामना के लिए वो सब कर रहे हैं जो आप चाहते हैं राजपुरोहित जी। इस अनुष्ठान को पूर्ण होने के पश्चात देखिएगा, आपको एक अभूतपूर्व महान पुत्र की प्राप्ति होगी। आपका राज साम्राज्य का रूप लेगा और आपकी कीर्ति और यश दिग दिगंत तक फैल जाएगी। महामंत्री जी। आज्ञा महाराज। हमारी महान शिव पूजा अनुष्ठान के लिए सारे राज्य में आदेश दे दिया जाए कि कल प्रजाजनों के घर से प्राप्त सारा दूध शिव मंदिर के दुग्ध भंडार में जमा कर दिया जाए और कोई भी कल एक बूंद का भी उपयोग नहीं करेगा, यह हमारी आज्ञा है। जो आज्ञा महाराज। भगवान शिव शंकर के महाभिषेक के लिए दूध जमा हो गया, महाभिषेक का मुहूर्त भी आ गया, अब महाभिषेक शुरू करें। अवश्य महारानी। जी, ये क्या हो रहा है? दूध शिव पिंडी को क्यों नहीं चढ़ रहा है? महाराज, समझ में नहीं आता ये कैसा चमत्कार है। अवश्य किसी तांत्रिक का षड्यंत्र है आपके विरुद्ध। हाँ महाराज। अरे जमुना 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 जमुना, सुना तुमने? क्या शिव जी ने हमारे राजा से दूध का अभिषेक स्वीकार नहीं किया? क्या कह रही हो तुम? पूजा अधूरी है, राजा और प्रजा सभी घबराए हुए हैं, कहीं शिव का कोप हम पर बरस ना पड़े। हाय राम, राजा और प्रजा को शिव जी के कोप से बचाना हम सबका कर्तव्य है।
मैं अपने बेटे के दूध से उनका अभिषेक करूंगी। भोलेनाथ बहुत भोले हैं, शायद वो मुझ लिए गन का दूध स्वीकार कर ले। तुम इसे संभालो, अच्छा मैं अभिषेक करके आती हूँ। हाँ जाओ जमुना। भोलेनाथ हमारा दूध क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? हम शिव महाअभिषेक को अधूरा छोड़कर महापाप के भागी बनेंगे, शिव जी की पूजा अधूरी रह गई। अभिषेक पूर्ण ना हुआ तो घोर अनर्थ होगा। बताइए महारानी हम क्या करें? इसका एक ही उपाय है, यदि कोई सच्चा शिव भक्त सच्चे हृदय से इस पर दूध चढ़ाएगा तो शिव जी उसे अवश्य स्वीकार करेंगे और हम पर से ये श्राप टल जाएगा। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज इस निर्धन को दूध चढ़ाने का अवसर दीजिए। आओ बहन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम महारानी। आओ बहन। क्या कहूं बहन, हम तो सारे प्रयत्न करके हार गए, न जाने भोलेनाथ हमसे क्यों रुष्ट है। अब तुम ही प्रयत्न करके देख लो। हे भोलेनाथ, राजा प्रजा सभी दुखी है। मैं अपने शिवा के हिस्से का दूध लाई हूं, इसे स्वीकार करके महाराजा का अभिषेक पूरा करवाइए। इस दीनहीन जमुना और उसके बेटे शिवा के भक्ति की लाज रख लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ तेरी लीला अपरंपार है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। धन्य हो बहन। तुम कौन हो, कहां से आई हो? मैं जमुना हूं, गांव के बाहर शिवकुटी में रहती हूँ। तुमने आज अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से लाया दूध भोलेनाथ पर चढ़ाकर हमारा अधूरा अभिषेक पूरा करवाया, हम बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या चाहिए? धन, वैभव, मान सम्मान, बोलो। क्षमा कीजिए महारानी, मेरा दूध स्वीकार करके भोलेनाथ ने स्वयं ही मुझे पुरस्कार दे दिया है, इससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है। भोलेनाथ की कृपा सदैव मुझ पर इसी तरह बनी रहे, आपसे बस यही आशीर्वाद चाहती हूँ। आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़ा अभिमान हो रहा है तुझे अपनी शिव भक्ति पर, हा? तू समझती है कि शिव को दूध चढ़ाकर तूने बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया है? हुँ? शिव जी तो बड़े दयालु हैं राजपुरोहित जी, वो कभी किसी की प्रार्थना अनसुनी नहीं करते। फिर आप ही बताइए, भोलेनाथ ने इतने बड़े ताम झाम से चढ़ाया गया आपका दूध स्वीकार क्यों नहीं किया? हा? तू कहना क्या चाहती है? हम देश के सबसे महान पंडित है, क्या तुम हमारे ज्ञान और शिव भक्ति को चुनौती देना चाहती है? क्षमा कीजिए राजपुरोहित जी, आपके शब्द शब्द से झूठा अभिमान छलक रहा है। भोलेनाथ के आगे किसी का अभिमान नहीं टिकता, वो तो केवल सर झुकाने वाले भक्तों पर ही प्रसन्न होते हैं। अब आप ही सोचिए, मेरा दूध स्वीकार करके भोलेनाथ ने आपका झूठा अभिमान खंडित किया या नहीं। जय भोलेनाथ। कोई है? कोई है? बचाओ! अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? शिवा!
लोगों को चमत्कार दिखाने वालों, देख लिया राजपुरोहित की शक्ति का चमत्कार? उस पाखंड स्त्री के साथ साथ उसके बच्चे का भी नाम निशान बीत गया इस संसार से। जो भी राजपुरोहित की शक्ति को चुनौती देगा उसका यही परिणाम होगा। अगर मैंने सच्चे मन से आपकी भक्ति की हो तो मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। बधाई हो महाराज, बधाई हो। महारानी ने राजकुमारी को जन्म दिया है। राजकुमारी को? बधाई हो महाराज, बधाई हो। हमें पता था इसी शुभ मुहूर्त पर राजपुत्र का जन्म होगा और हमारा महान अनुष्ठान अवश्य सफल होगा। आपका अनुष्ठान असफल हो गया है राजपुरोहित जी, आपकी भविष्यवाणी झूठी साबित हुई है। महारानी ने राजकन्या को जन्म दिया है, हमारे राजवंश का भविष्य अंधकार में खो गया है। आज तक आपका हर दावा झूठा साबित हुआ है, आप पर विश्वास करके हमने हमेशा धोखा खाया है। आइए स्वामी, देखिए इसका मुंह, देखिए भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारे घर लक्ष्मी पधारी है। हम अपने उत्तराधिकारी युवराज की प्रतीक्षा कर रहे थे महारानी, हमारे सारे सपने मिट्टी में मिल गए। ऐसा ना कहिए महाराज, कन्या ही तो संसार के सारे सपने सजाती है, वही माता का रूप होती है, संसार के सारे महापुरुषों को जन्म देती है। कन्या ना हो तो संसार सूना हो जाए, उसमें न स्त्री रहे न पुरुष। ये तो हमारा सौभाग्य है महाराज कि इतनी वर्षों की तपस्या के बाद हमारे घर में स्वयं लक्ष्मी ने जन्म लिया है। इसे गले से लगाइए महाराज। जैसी भोलेनाथ की इच्छा। जमुना, हो जमुना। जी भैया। मैं पूछता हूँ, तीन दिनों से गाय दूध क्यों नहीं दे रही? कल भी तुझसे कहा था, परसों भी तुझसे कहा था, मुझे तो लगता है तेरा ये शिवा जंगल में दूध चुरा कर पी जाता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों रे शिवा, तू रोज गाय का दूध चुरा के पी लेता है क्या? नहीं माँ, मैंने दूध नहीं पिया। ये गौरी तीन दिनों से दूध नहीं दे रही, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप झूठ बोल रहे हो या सच ये मैं नहीं जानता, मगर मैंने दूध नहीं पिया माँ, नहीं पिया। सर जो मामा से भैंस करता है। माँ मैं सच कहता हूँ माँ, मैंने दूध नहीं पिया, नहीं पिया। झूठ बोल रहा है। आइंदा ऐसा हुआ ना तो ऐसे मारूंगी और घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ दूध नहीं पिया, दूध नहीं पिया तो गया कहाँ? नालायक कहीं का, पता नहीं दूध कहाँ चला जाता है। गौरी कहाँ चली गई? गौरी, गौरी कहाँ चली गई तुम? गौरी, 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 तो अपना दूध यहाँ निकल रही है?
गया तो तू रोज यहाँ आकर दूध गिरा देती है और सरजू मामा चोर समझकर मुझे मारते रहते हैं। आज मैं माँ को जाकर सब बता दूंगा। आंखों से देखा है। क्या है रे? वो अपनी गौरी गाय है ना, जंगल में जाकर पेड़ के नीचे अपना सारा दूध गिरा देती है। वाह बेटा वाह, क्या बहाना बनाया है चोरी से बचने का। दिखा जमना, तुम्हारा ये बेटा चोर के साथ साथ सीना जोर भी होता जा रहा है। माँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। नालायक कहीं का। माँ मैंने दूध नहीं पिया, माँ नहीं पिया। नालायक, जिस सरजू मामा ने हमें पाला पोसा रहने के लिए जगह दी उन्हीं के साथ धोखा करता है तू। माँ मैं तेरी सौगन खा के कहता हूँ, माँ मैंने दूध नहीं पिया, नहीं पिया। आज महाशिवरात्रि के दिन भी तुझसे उपवास नहीं रह गया, इसलिए तूने दूध पी लिया। चोरी करता है तू। माँ मैंने दूध नहीं पिया। माँ बार बार झूठ बोलकर तूने अपने आप को ही नहीं अपनी माँ को भी कलंकित किया। जा निकल जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी नजरों से, मैं तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, जा यहाँ से। अगर तू यही चाहती है तो मैं तुझे छोड़कर बहुत दूर चला जाता हूँ। उठो बेटे। बेटे, आज महाशिवरात्रि के दिन तुमने चारों पहर की पूजा करके हमें अति प्रसन्न किया। बोलो बेटे, क्या चाहिए तुम्हें? मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। बेटे शिवा,
जिस बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर तुमने हमारी आराधना की है वो हमें अति प्रिय है। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि जो बिल्व पत्र तुम हम पर चढ़ाओगे उसके पश्चात उसे तुम जिस किसी रोगी को छुआओगे उसका रोग पल भर में सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। जय भोलेनाथ। तथास्तु। शिवा शिवा, अरे बाबा नाग देवता, शिवा, अरे ओ शिवा इधर आ। माँ माँ माँ, शिवा मैंने तुझे बहुत मारा, बहुत मारा तुझे। अरे सारी रात तुझे डर नहीं लगा अकेले? माँ मैं अकेले थोड़ी ना था, मेरे साथ तो नाग देवता भी थे। अच्छा, और भोलेनाथ भी थे। मैं तो शिवरात्रि की पूजा भी की थी। सच? हाँ माँ। अरे शिवा तूने शिवरात्रि की पूजा की लेकिन कहाँ? वहाँ माँ, उस धरती का प्रभाव ही ऐसा है। उसी धरती के नीचे एक शिव पिंडी थी जहाँ हमारी गौरी गाय रोज दूध चढ़ाती थी। वह गाय तो हमसे भी बढ़कर शिव भक्त है। माँ आओ आप भी दर्शन कर लो। माँ चलो। आओ माँ। राजवैद जी। महारानी जी, राजकुमारी पार्वती का रोग दिन ब दिन उलझता जा रहा है। मैं ऊंची सी ऊंची औषधियों का प्रयोग कर चुका हूँ पर सब व्यर्थ। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जय शिव शंकर, जय विश्वेश्वर, जय भोलेनाथ। आइए राजपुरोहित जी, आइए। महाराज आप निश्चिंत हो जाइए, रुद्राभिषेक से राजकुमारी शीघ्र ही रोग मुक्त हो जाएगी। राजपुरोहित जी, मुझे अब आपकी किसी बात पर विश्वास नहीं। महारानी जी, ये आप क्या कह रही है? क्या आपका हमारी भक्ति और श्रद्धा पर से विश्वास उठ गया? नहीं राजपुरोहित जी, हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। महाराज की जय हो। आइए स्वामी जी, आइए। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम महाराज, प्रणाम। शिवानंद तुम? क्या हुआ राजकुमारी को? स्वामी जी, मेरी बेटी मरण शैया पर पड़ी है। राजवेद जी भी निराश हो चुके हैं। इसे ठीक करने का आप ही कोई उपाय बताइए स्वामी जी, आप ही कोई उपाय बताइए। निराश ना होइए महारानी जी, भगवान भोलेनाथ की कृपा से राजा और प्रजा के कष्ट मिटाने के लिए एक शिव भक्त बालक को दिव्य सिद्धि प्राप्त हुई है। उसके छूते ही बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। आप भी वहां चलिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा से राजकुमारी जी अवश्य ठीक हो जाएंगी। चलिए। हाँ मैं अवश्य चलूंगी, मैं अवश्य चलूंगी। चलिए। मैं अवश्य चलूंगी। महारानी आ। प्रणाम महारानी। अरे क्या हुआ इसे? न जाने इसे क्या हो गया बहन, इतने दिनों से तो आंख नहीं खोल पा रही। हम बहुत निराश हैं। तुम्हारे बेटे के बारे में सुना, हम बड़ी आशा से इसके पास आए हैं बहन। धीरज रखिए महारानी जी, भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। उनके शरण में आने वाले कभी निराश नहीं लौटते। आइए। बैठिए। शिवा बेटे, बिल्व पत्र के स्पर्श से राजकुमारी को रोग मुक्त करवाओ बेटे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः।
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बेटी, माँ, बेटी। राजकुमारी जी ठीक हो गए? आइए राजकुमारी जी। जमुना, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद कहूँ? उस दिन तुमने उपकार करके हमारा अधूरा अभिषेक पूरा करवाया, उसी की वजह से इस सुंदर कन्या ने हमारे घर जन्म लिया। आज तुम्हारे बेटे शिवा ने फिर से उसे जीवन दान दिया है। मांगो, कुछ तो उपहार मांग लो आज। महारानी जी, आप बार बार ये कह के मुझे क्यों लज्जित कर रही हैं? आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि शिवा की शिव भक्ति सदैव बनी रहे। धन्य हो जमुना। जय भोलेनाथ मेरी बच्ची। भोलेनाथ की कृपा से हमारी बेटी ठीक हो गई। आयुष्मान भव। प्रणाम पिताजी। जुग जुग जियो बेटी। प्रणाम माताजी। सदा सुखी रहो। Thank you.
सारी कुदरत देखी है। रोम रोम ये हुआ है पुलकित, ऐसी सूरत देखी है, शिव की मूरत 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 देखी है। जानते हैं हमने देश विदेश के सभी महान पंडितों को यहां आमंत्रित किया है। यह सब मिलके आज हमें महामहोपाध्याय शिवज्ञानी की पदवी प्रदान करने वाले हैं। इसकी हमें बहुत प्रसन्नता है राजपुरोहित जी। आपका और इन सभी पंडितों का हम राज्य की ओर से सम्मान करेंगे। महाराज, यह सम्मान पाने के लिए हमने कठोर साधना की है। हमने ये सिद्ध कर दिया है कि शिव की भक्ति अनुष्ठान और शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन अर्चन करने वाला हमसे बढ़कर और कोई नहीं है। राजपुर है जी, अपने अहंकारिक शब्दों से सच्चे शिव भक्तों का अपमान न कीजिए। कौन है तू? सबके सामने हमारा अपमान करने का तेरा साहस कैसे हुआ? मैं भी एक छोटा सा शिव भक्त हूं राजपुर जी। आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। ज्ञानी आप जैसे अभिमानी नहीं होते, वो सबके सामने अपनी भक्ति का डंका नहीं पीटते। तो तू समझता है कि तू हमसे बढ़कर क्या नहीं है? हाँ तो बता, शिव तत्व के बारे में क्या जानता है तू? जो व्यक्ति भोलेनाथ की भक्ति में अपना मान सम्मान, ज्ञान गौरव, अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, वही शिव तत्व को जानने का अधिकारी होता है। आप ही बताइए, शिव क्या है और शिव तत्व किसे कहते हैं? देखा देखा पंडितों, ये कल का छोकरा अपने आप को सच्चा शिवभक्त बताकर हमारे पंडित्यों को चुनौती देना चाहता है, हमसे शास्त्रार्थ करना चाहता है। शंभुनाथ जी, एक कठिन प्रश्न पूछकर इसे चुप करा दीजिए। तो बता, क्या शिव वही है जो अपने जटाजूट में गंगा, गले में सर्पों की माला, व्याज चरम लपेटे, चोंग की भस्म लगाकर कैलाश पर बैठे हैं? ये स्वरूप शिव के रुद्रूप का है। हर मन्वंतर के प्रारंभ में शिव अजन्मा रुद्र अवतार धारण करके माता शक्ति के साथ साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं। माता शक्ति कौन है? माता शक्ति शिव की अभिन्न संगिनी है। वो शिव तत्व में सम्मिलित है। जब जब वो शिव के साथ लीला करना चाहती है, तब तब नारी का रूप धारण करके तरह तरह की लीलाएं करती है। वो कभी सती बनती है, कभी पार्वती। अब बता, शिव तत्व क्या है? शिव ही शिव तत्व है। जगत को सत्यम, शिवम, सुंदरम का रूप दिखाने वाले सदाशिव के अतिरिक्त शिव तत्व और क्या हो सकता है? देखो देखो पंडितो, शिव तत्व की बात पूछी तो ये बगले झांकने लगा।
तो आप ही बताइए उस शिव तत्व के बारे में जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। आंखों से दिखाई नहीं देता, इसका क्या मतलब है? सदाशिव तो हर शिव भक्त को दिखाई देते हैं। नहीं, सदाशिव ज्योति का रहस्य मनुष्य की ज्ञानेंद्रिया नहीं जान सकती। उसके लिए उस ब्रह्म शक्ति की आवश्यकता होती है जो शिव की कृपा से ही प्राप्त होती है। शिव पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि शिव। क्या तू शिव महापुराण के बारे में हमसे अधिक जानता है? नहीं, आप मुझसे अधिक जानते होंगे, परंतु पांडित्य के अभिमान ने आपको शिव भक्ति और शिव कृपा से दूर कर दिया है। आपका यह मिथ्या अभिमान आपको शिव तत्व से दूर रखता है। जब तक आपका यह अभिमान दूर नहीं होता, केवल शब्दों के आडंबर से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। क्षमा करें, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ठहरो, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। तुमने सबके सामने हमें ललकारा है, हमारा अपमान किया है। अब या तो शिव भक्ति का प्रमाण दिखा या राजदंड का भागी बन जा। राजदंड से बचने के लिए तुम्हें शिव भक्ति का प्रमाण देना होगा। बिलपत्र शिव जी के विशेष प्रिय है। मैं शिवलिंग के सामने बिलपत्र रखूंगा, जिसकी आराधना के प्रभाव से शिव जी इसे स्वीकार करेंगे, वही शिव का सच्चा भक्त होगा। हम समझ गए महाराज, शिव भक्ति का प्रमाण पहले हम देंगे। जय भोले। महिमा पारंते परम विदुषो यद्य सदृशो स्तुति ब्रह्मा दिनामापि तदवसन्न हस्तवैगिरा अथावाच्या सर्वसोमति परिणामावधि गृणम माप्य स्तोत्रहर निरपशादा परिकरा। आदिशंभु स्वरूप बुधिवर चंद्रशीश जटाधरम मुंडमाल विशाल लोचन वाहनम ऋषभध्वजम नागचयम त्रिशूल डमरु भस्म अंग विहंग मम श्री नील कंठ हिमाल जलधर विश्वनाथ विश्वेश्वरम। प्रभु प्राणनाथम विभु विश्वनाथम जगन्नाथनाथम सदानंद भाजम भवद भव्य भूतेश्वरम भूतनाथम शिवम शंकरम शंभु ईशान शुभिणे। राजपुरोहित जी, भोलेनाथ ने अभी तक आपका बिल्व पत्र स्वीकार नहीं किया, क्यों ना शिवा को अवसर दिया जाए। देखें तो उसकी शिव भक्ति में कितनी शक्ति है। रानी मां, मैं तो शिव जी की भक्ति करना जानता हूं। अगर शिव को मुझे राजदंड से बचाना होगा तो वे मेरी पुकार अवश्य सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ऐसी कौन सी बात है राजकुमारी जी, आज बड़ी प्रसन्न नजर आ रही हो। ऐसा कौन सा अनमोल रत्न मिल गया है, जरा हमें भी तो पता चले। ओ चंपा चंपा चंपा, आज सचमुच मुझे एक अनमोल रत्न मिल गया है। अपने मन मंदिर का देवता मिल गया है। आज मैंने अपने सपनों के राजकुमार को देखा है। जरा हमें भी तो पता चले कौन है वो। शिवा, जिसे बचपन से मैं मन ही मन पूछती आ रही हूँ। शिवा? क्या बात है, आज बड़ी प्रसन्न दिखाई दे रही हो। माँ देखा, माँ शिवा ने कैसे राजपुरोहित जी का अभिमान चूर चूर कर दिया। शिवा की भक्ति सचमुच अद्भुत है बेटी। माँ जब राजा प्रजा सबको शिवा की महानता का पता चल चुका है और सब जानते हैं कि शिवा की भक्ति के सामने राजपुरोहित जी का झूठा अभिमान नहीं टिक सकता, तो फिर पिताजी उन्हें रोकते क्यों नहीं। राजपुरोहित शंभुनाथ हमारे कुलगुरु हैं, उनके पुरखे भी हमारे राजगुरु थे। कुलगुरु की आज्ञा का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। लेकिन देखना माँ, यदि राजपुरोहित जी फिर से शिवा से टकराए तो। नहीं बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। हमें राजकुल की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आओ। माँ, माँ। क्या बात है रे, आज तू बहुत खुश नजर आ रहा है। माँ, भोलेनाथ ने मेरी भक्ति स्वीकार करके उस घमंडी राजपुरोहित का अभिमान चूर चूर कर दिया। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। उनके चरणों में जो भी श्रद्धा से शीश झुकाता है वो हमेशा उनकी प्रार्थना सुनते हैं। अच्छा माँ। कैलाश गंगा गिरजा गणेशा स्कंदा दिनाना गण्युक्त शंभु महेश मुक्ति प्रज्ञान मूर्ति करोमि पूजा भगवन विराम। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, पूजा करनी है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजकुमारी जी, आप इस निर्धन की कुटिया पे। ओम नमः शिवाय। जहां पर शिव रहते हैं वहां पर कोई निर्धन कैसे हो सकता है। शिव भक्त, आपके पास हमारी जैसी संपत्ति भले ही ना हो पर आपके मन में शिव भक्ति के रत्न भरे पड़े हैं। क्यों चुप क्यों हो गए, क्या मैंने झूठ कहा। ये मैं कैसे कह सकता हूँ। आपने शिव भक्ति का ऐसा चमत्कार दिखाया कि संसार देखता ही रह गया। भोलेनाथ इसी तरह से अपने भक्तों का बेड़ा पार लगाते हैं। इसीलिए तो मैं आई हूँ इस पवित्र शिवकुटी पर, अपने शिव के दर्शन करने आई हूँ जहाँ बचपन में मुझे जीवनदान मिला था। ऐसी बातें कहकर मुझे शर्मिंदा ना करो राजकुमारी जी। मैं सच कह रही हूँ। अगर आप शर्मिंदा हो रहे हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। अरे राजकुमारी जी। हाँ प्रणाम माता जी। जी मैं तो शिव के दर्शन करने आई थी, बस मैं चलती हूँ, आज्ञा दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाओगी, जरा जलपान करके जाओ। नहीं बहुत देर हो रही है, चलती हूँ। अच्छा। चंपा चलो। क्यों रे जी, क्या है। नहीं माँ, ऐसे ही आई थी, वो पूजा करने आई थी। ओ, हाँ। चल अंदर चल। जमुना, ओ जमुना। अरे आप यात्रा से इतनी जल्दी आ गए। हमारा मुन्ना कहाँ है। अंदर ही है, अभी लाती हूँ। मैं उसके भविष्य के बारे में तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो गए, बताइए ना। नर्मदा के किनारे
शिव तीर्थ पर मेरी मुलाकात एक त्रिकालदर्शी महात्मा से हुई। उन्होंने मुन्ने के भविष्य के बारे में जो कुछ बताया मैं सहम सा गया। क्या बताया है तनिक मुझे भी तो बताइए, आप चुप क्यों हो गए? हमारा मुन्ना अल्पायु है, 20 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएगा वो। इस श्राप के निवारण का कोई उपाय भी तो होगा। उपाय है जमुना, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से यह श्राप टल सकता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से यह श्राप टल सकता है। माँ, माँ, क्या बात है माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? कुछ नहीं। कुछ तो है माँ, मैंने तुम्हें कभी ऐसे उदास नहीं देखा। आज तेरे पिताजी की बहुत याद आ रही है। पिताजी की याद? हाँ बेटे, उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की कामना की थी कि कवड़िया बनकर 7 पवित्र नदियों का जल लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करेंगे, लेकिन सब कुछ अधूरा रह गया। तुम दुखी मत हो माँ, पिताजी का अधूरा संकल्प मैं पूरा करूंगा। इस संसार में तुम्हारे सिवाय मेरा कौन है माँ? तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। मैं कल ही सवेरे शिवजी का नाम लेकर यात्रा पर निकल पड़ूंगा माँ। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी बेटे। इतनी देर कहां लगा दी बेटी? संध्या होने को आई। माँ मैं शिवकुटी पर पूजा करने के लिए गई थी। कुछ बातें हमारे कानों तक पहुंची हैं बेटी, क्या वो सच है? पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। शिवा से तुम्हारा मिलना जुलना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम यहाँ की राजकुमारी हो और राजकुमारी की अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं। तुम्हें उन मर्यादाओं का पालन करना सीखना होगा बेटी। पिताजी तब राजकुल की मर्यादाएं कहाँ चली गई थी? जब उस निर्धन शिवा ने आपकी बेटी को जीवन दान दिया था तब राजकुल की मर्यादाएं कहाँ चली गई थी? जब सच्चे शिव भक्त शिवा ने उस राजपुरोहित जी के झूठे अभिमान को चूर चूर कर दिया था। राजकुमारी तुम अपनी सीमाओं का बंधन तोड़ती जा रही हो। तुम ये भी भूल गई हो कि तुम्हें अपने पिता से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। मैं क्षमा चाहती हूँ पिताजी, पर आप मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। शिवा मेरा आराध्य है, मुझे उसे दूर करने का प्रयत्न मत कीजिए। महारानी समझा दीजिए अपनी इस राजकुमारी को, आज से राजमहल के शिव मंदिर में ये पूजा करेगी, राजमहल के बाहर कदम नहीं रखेगी, ये मेरी आज्ञा है। बेटी, तुम्हारे पिता ठीक कहते हैं। माँ मैंने तुमसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई। तुम जानती हो माँ कि मैं शिवा को अपना सब कुछ मान चुकी हूँ, मैं उसे दूर कैसे रह सकती हूँ? धीरज रखो बेटी, भगवान भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। हे भोलेनाथ, मैं अपने माँ को अकेली तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहा हूं भोलेनाथ, इनको कोई कष्ट ना पहुंचे, इनकी रक्षा करना भोलेनाथ, इनकी रक्षा करना। शिवा, ओ शिवा बेटे आ। ये ले कावर। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं पिताजी का अधूरा संकल्प पूरा कर सकूं। भोलेनाथ तुम्हारी यात्रा सफल करे। ओम नमः।
नमः शिवाय। राजकुमारी जी, शिवा कांवर लेकर तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। शिवा तीर्थ यात्रा पर जा रहा है? शिवा 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 शिवा, रुक जाओ शिवा, क्या आप मुझसे मिले बिना ही जाना चाहते थे? हाँ पार्वती, माँ की आज्ञा और पिता के अधूरे संकल्प को पूरा करना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। तो फिर भगवान शिव के सामने जो हमने एक दूसरे का साथ निभाने का प्रण किया था, क्या उसका कोई मूल्य नहीं? मूल्य है, लेकिन तुम्हें मुझे तब तक के लिए भूल जाना होगा जब तक मैं यात्रा से लौट ना आऊं। नहीं शिवा, मैं नहीं भूल सकती, एक पल के लिए भी नहीं भूल सकती कि तुम मेरे सब कुछ हो। मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहूंगी? तुम जानते हो ना शिवा कि पिताजी और राजपुरोहित जी हमारे मिलने के विरुद्ध है। मैं जानता हूँ पार्वती, इसीलिए तो कह रहा हूँ, यदि शिव शंकर को हमारा मिलन स्वीकार नहीं तो मुझे भूल जाना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यात्रा मुझे अकेले ही करनी होगी, यही माँ की आज्ञा है, यही मेरा संकल्प है। मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती शिवा, मेरा और तुम्हारा साथ जन्म जन्मांतर का साथ है। मैं भी तुम्हारे साथ यात्रा पर चलूंगी, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं ले चले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, प्राण त्याग दूंगी। ऐसी बातें कहकर मेरे मन को विचलित ना करो पार्वती, और यही रहकर भगवान शिव जी से प्रार्थना करो कि मैं अपना संकल्प पूरा कर सकूं और जल्द से जल्द हमारा मिलन हो। मैं प्रार्थना करूंगी शिवा, पर जब तुम भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों पर कांवड़ का गंगा जल चढ़ा तो उनसे कहना कि जिस तरह पार्वती उनकी जीवन संगिनी है उसी तरह मेरी भी है, हमारा मिलन शीघ्र से शीघ्र हो ऐसी प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। गुरुदेव, क्या बात है चमेली, क्या समाचार लाई हो? गुरुदेव, मैं आपके लिए शुभ समाचार लेके आई हूँ। जब भी आती हो शिवा और राजकुमारी पार्वती के मिलने का समाचार लाती हो, इसमें शुभ समाचार क्या है? नहीं गुरुदेव, उन दोनों का मिलन अब वियोग में बदल गया है। शिवा अब लंबी तीर्थ यात्रा पे चला गया है। क्या कहा, शिवा चला गया? हाँ गुरुदेव, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। शिवा, भगवान ने तुझे राजकुमारी से दूर भेज दिया, हम तुम्हें इस दुनिया से दूर भेज देंगे। शिव के धाम चल रे कावरिया, शिव के धाम, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चल रे कावरिया शिव के धाम। चल रे कांवरिया शिव के धाम, बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगे।
बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। कावर कांधे धर के बना तू शिव नाम का जोगी, मन में रख भरोसा तुझ पे शिव की करुणा होगी। शिव नाम का जोगी, मन में रख भरोसा तुझ पे शिव की करुणा होगी। कांवर साधना है न्यारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी। कांवर साधना है न्यारी, कांवर शिव को बहुत प्यारी। चल रे कांवरिया शिव के धाम, रे कावरिया शिव के धाम, चल रे कावरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसंतं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। ए भोलेनाथ, मेरी शिवा की यात्रा सफल करना और उसे जल्दी से जल्दी मेरे पास भेज देना, क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बेटी, बेटी, इस समय तुम्हारे मन में जो बीत रही है मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, परंतु पहले ही बहुत देर हो चुकी है। यदि शिवा ने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा शीघ्र ही पूर्ण न की तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? कैसा अनर्थ माँ जी? शिवा को पूर्व जन्म के किसी साधु का श्राप लगा है बेटी। उसकी आयु बहुत कम है। शरद पूर्णिमा की रात उसके जीवन की अंतिम रात होगी। ऐसा ना कहो माँ जी, ऐसा ना कहो। अब इस श्राप को केवल भोलेनाथ ही मिटा सकते हैं। यदि वो कांवड़ में गंगा जल लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी करता है तभी श्राप टल सकेगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगी कि उसकी यात्रा सफल हो। बेटी, इस बात का ध्यान रखना कि जब तक शिवा की यात्रा पूर्ण नहीं होती तुम उसके पास न जाना, वरना तुम सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो जाओगे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी माँ जी। अश्वमेध के यज्ञ बराबर उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता, उसको फल है मिलता। शिव है तीन लोक का दाता, शिव है सृजनहार विधाता। शिव है तीन लोक का दाता, शिव है सृजनहार विधाता। चल रे कांवरिया शिव के धाम, रे कांवरिया
शिव के धाम, चल रे कंवरिया शिव के धाम, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चल रे कंवरिया शिव के धाम। सानंदमानंदवने वसंतम् आनंदगंधम् हतपापवृंदम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चल रे कांवरिया शिव के धाम। महात्रिपार्श्वे च तटे रमन्तम् संप्यूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै सुरासुरैर्यक्षमोरगाद्यै केदारमीशं शिवमे बाबा, बाबा, तभी तो ठीक है ना? बेटा, यात्रा करते करते बहुत थक गया हूं, अब चला भी नहीं जाता। कहां जा रहे हो बेटा? मैं अपने पिता का अधूरा संकल्प पूरा करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकला हूं। भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे। उठो बाबा, चलो, चिंता मत करो, मैं आपकी यात्रा पूरी करवाऊंगा। जय भोलेनाथ। आइए, चलो चलो। वो देखो बाबा, त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर सामने ही है। गुरुदेव, गजाधर, कहो
क्या बात है? मैंने आपके रास्ते के कांटे को सदा के लिए मिटा दिया है। हमें तुमसे यही आशा थी गजाधर। अरे सुनो, कोई है? देखो कोई बेहोश पड़ा है। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कौन है ये? ये देखो कोई बेहोश पड़ा है। अरे ये तो जीवित है, लगता है ये बेहोश हो गया है। अरे भाई सुनो, जल्दी आओ। क्या हुआ भाई? अरे इसे उठाओ, 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 आस्ते आस्ते ले आओ, ले आओ, जल्दी ले आओ, चलो चलो चलो, आ जाओ संभल के। इसे यहाँ लेटा दो भाई, आराम से, आराम से, आराम से लेटा, संभल के, आराम से संभल के। अरे देखो जल्दी से जसवंती और ब्राह्मी की पत्ती लेकर आओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। बेटी, माँ, शिवा तुम्हें बताए बिना 12 ज्योतिर्लिंग की लंबी यात्रा पर चला गया है, अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। नहीं माँ, नहीं, ऐसा ना कहो, मैं शिवा को कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं। तुम्हें शिवा को भुलाना होगा। महारानी, हमने राजकुमारी का विवाह अशोकपुर के राजकुमार मंगल सिंह के साथ तय कर दिया है, आप विवाह की तैयारी कीजिए। पिताजी, मैं ये विवाह कदापि नहीं करूंगी, क्योंकि मैं शिवा को अपना पति मान चुकी हूँ। राजकुमारी, ये असंभव है। जो इस संसार में ही नहीं, वो तुम्हारा पति कैसे बन सकता है? महाराज, मुझे अभी अभी समाचार मिला है कि शिवा त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से गिरकर शिवलोक पहुंच गया। ये झूठ है, ऐसे कभी नहीं हो सकता। राजपुरोहित जी, आप झूठ बोल रहे हैं। राजकुमारी, हम राजपुरोहित शंभुनाथ हैं, झूठ बोलने का महापाप हम कभी नहीं करेंगे। तुम्हारा साहस कैसे हुआ हम पर झूठा आरोप लगाने का? हाँ गुरुदेव, राजकुमारी अबोध है, आप इसकी किसी भी बात पर ध्यान ना दीजिए। आइए, आप हमारे साथ आइए। माँ, माँ, ये राजपुरोहित का षड्यंत्र है, मेरी शादी किसी और से कराने के लिए उन्होंने ये झूठी कहानी गढ़ी है। मुझे भी विश्वास नहीं होता बेटी। तुम ही बताओ माँ, क्या पार्वती शिव के सिवा किसी और से विवाह कर सकती थी? क्या सीता राम के सिवा किसी और के बारे में सोच सकती थी? क्या सावित्री सत्यवान का साथ छोड़ सकती थी? नहीं माँ, नहीं। भारत की नारी जब किसी एक को अपने मन से पति मान लेती है तो किसी और के बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं जानती हूँ बेटी। तो फिर तुम ही बताओ माँ, मेरी जगह तुम होती तो तुम क्या करती? लेकिन ये विवाह की बात सुन के तो मेरा जी घबरा रहा है। मैं शिवा से दूर नहीं रह सकती, उसके बिना मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। धीरज रखो बेटी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जय भोलेनाथ। जय। बेटे तुम ठीक हो ना? आप? हाँ बेटी, नदी किनारे तुम बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हें यहां उठा ले आया। क्या हुआ तुम्हारे साथ, नाम क्या है तुम्हारा? मैं शिवा। अपने पिताजी के अधूरे संकल्प को पूरा करने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने के लिए निकला था, परंतु अचानक रास्ते में। कहीं तुम जमुना भाभी के बेटे शिवा तो नहीं हो? हाँ, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ बेटे, तुम्हारे पिता मेरे भाई जैसे थे। अब चिंता की कोई बात नहीं, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण कराने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बेटे। हाँ, अब तुम विश्राम करो, सब ठीक हो जाएगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सह्याद्रि शीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशम् प्रयातितं त्र्यंबकमीशमीडे। कावर के स्तब से तूने ऐसा पारस होना, मिट्टी को तेरा हाथ लगा।
लगे तो वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना। कांवर के इस तप से तूने ऐसा पारस होना, मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना। आगे बढ़ता जा तू प्यारे बाबा तेरी बाट निहारे, आगे बढ़ता जा तू प्यारे बाबा तेरी बाट निहारे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। हे सोमनाथ भगवान, मेरे पिता आपके दर्शन और अभिषेक के लिए किए गए संकल्प को पूरा नहीं कर पाए थे, मैं उनका अधूरा संकल्प पूरा करने के लिए आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। बेटी, इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करके चंद्रमा ने शिवजी से जीवन दान पाया था, उनकी मनोकामना पूर्ण हुई थी। भगवान भोलेनाथ भी तुम्हारी पवित्र मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे, तुम पर आने वाला हर संकट टल जाएगा बेटे। संकल्प? कैसा संकल्प? मैं कुछ समझा नहीं। बेटे, समय आने पर सब कुछ समझा दूंगा, अब चले। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। याम्ये सदंगे नगरे धिरम्ये विभूषितांगं विविधैश्च भोगै सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। जय शिव शंकर, जय विश्वेश्वर, जय भोलेनाथ। महाराज, आइए राजपुरोहित जी, आइए, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, हमने राजकुमारी पार्वती और राजकुमार मंगल सिंह के विवाह का शुभ मुहूर्त निकाल लिया है। आज से सातवें दिन
चैत्र शुक्ल सप्तमी सोमवार को राजकुमारी का पाणि ग्रहण संस्कार होगा। राजपुरोहित जी, मैं इसी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा था। महाराज, महाराज। क्या बात है दासी? अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। राजकुमारी जी महल छोड़कर कहीं चली गई। क्या राजकुमारी राजमहल में नहीं है? मैंने आपसे कहा था ना कि शिवा की अशुभ छाया राजकुमारी पर नहीं पड़नी चाहिए। महाराज, यदि शीघ्र विवाह नहीं किया गया तो राजकुमारी कुछ भी अनर्थ कर सकती है। हम अनर्थ नहीं होने देंगे, राजकुमारी का विवाह समय से। महारानी, ये सब आप ही का किया धरा है। आप ही ने राजकुमारी को शिवा से मिलने के लिए प्रेरित किया था। आपने तो कभी राजकुमारी पार्वती को समझाने की चेष्टा भी नहीं की। आप ये क्यों नहीं सोचते कि राजकुमारी शिवा को अपना सब कुछ मान चुकी है? आप ही ने विवाह की घोषणा करके राजकुमारी को राजमहल से भागने पर विवश किया है। अब भी आप उसी का बचाव कर रही हैं? अब भी आप यही समझती हैं कि उसने जो कुछ किया है वो ठीक किया है? हाँ महाराज, यदि शिवा ना होता तो पार्वती अभी तक जीवित भी ना होती, जिसका संबंध भगवान शिव ने निश्चित कर दिया है। उसे तोड़ने वाले हम कौन होते हैं? बस महारानी बस, अब हम और कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। हम भी देखते हैं कि वे दोनों हमसे बचकर जाते कहां हैं। हम उन दोनों को इस दुस्साहस का दंड अवश्य देंगे। आखिर राजकुमारी और शिवा हमसे बचकर जाएंगे कहां? इस बात का पता हम स्वयं लगाएंगे। बता मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ छिपा कर रखा है तूने उसे? महाराज, मैं क्या जानू आपकी बेटी कहाँ है, उससे मेरा क्या संबंध? तुम्हारे बेटे ने हमारी बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर हमसे विद्रोह के लिए प्रेरित किया। हमारी बेटी अपना राजमहल छोड़कर तुम्हारे मरे हुए बेटे से मिलने चली गई। चुप चुप बोलिए महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरा बेटा नहीं मर सकता। भोलेनाथ, ये क्या सुन रही हूँ? ऐसा नहीं हो सकता। आप इतने निर्दय नहीं हो सकते। अभी तो मेरे बेटे की आयु शेष है। संसार कुछ भी कहे, मगर मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आपकी कृपा मेरे बेटे पर सदैव बनी रहेगी। मेरा बेटा जीवित है ना, वो नहीं मर सकता। मेरा शिवा नहीं मर सकता। मेरा शिवा नहीं मर सकता। जमना, तू अपने मन को झूठी तसल्ली दे रही है। तेरा बेटा तमकेश्वर की पहाड़ी से नीचे गिरकर मर गया है। उसे हमारी बेटी को बहकाने का फल मिल गया है। अब वो वापस नहीं आएगा। चन्ना बता, मेरी बेटी कहाँ है? महाराज, मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। हमारे विरुद्ध राजद्रोह करने का परिणाम जानती है क्या होगा? मैंने तो आपके विरुद्ध कुछ नहीं किया है, केवल सत्य कहा है। ले जाओ इसे यहाँ से। डाल दो इस बुढ़िया को कारागार के अंदर। मुझे छोड़ दीजिए, मैं निर्दोष हूँ। भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो, मेरी भक्ति की लाज रख लो। भोलेनाथ, भोलेनाथ। महाराज छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो इन्हें। शिवा, तुम? शिवा बेटे। शिवा, तुम यहां? तुम तो मर गए थे। महाराज, मेरी निर्दोष माता को क्यों दंड दे रहे हैं आप? इन्होंने क्या किया है? मेरी बेटी पार्वती कहां है? मैं ठीक ठीक तो नहीं बता सकता। अवश्य वो अपनी राह पर आगे बढ़ रही होंगी। लगता है आपको भ्रम हो गया है या किसने आपको बहका दिया है। तो राजपुरोहित ने झूठ कहा था कि तुम मर गए हो? जीवन मृत्यु तो भगवान शिव के हाथ में है महाराज।
एक ना एक दिन तो सभी को मरना है, परंतु उसकी मृत्यु का सही समय तो भगवान शिव के सवार कोई नहीं जानता। मेरी मां निर्दोष है महाराज। हमसे भूल हुई शिवा, यदि तुम समय पर नहीं आते तो हम बहुत बड़ा न्याय कर बैठते। हमें क्षमा करना जमुना बहन, हम क्रोध में आकर अपना विवेक खो बैठे। अरे ये क्या किया तूने? अपना संकल्प भूल गया, यात्रा अधूरी छोड़कर चला आया? यात्रा अधूरी नहीं रहेगी माँ। क्या भगवान शिव ने मुझे प्रेरणा दी कि इस समय मेरा यहाँ होना अनिवार्य है। लो बेटा पानी पी लो। अरे बेटे, जानता है माँ का भोजन खाने के लिए भगवान खुद ब खुद पेट में जगह कर देता है, और वैसे भी माँ जब तक बेटे को भरपूर खाना ना खिला दे उसके मन को शांति नहीं होती। क्या बात है माँ, आजकल बहुत प्यार करते हो मुझे। तुम्हें छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं करता माँ। ऐसा ना कहे बेटे, माँ के मुंह में आकर कहीं तो अपने पिता का संकल्प भूल ना जाना। महाराज क्या बात है, इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ? महारानी, हमारी बेटी सचमुच खो गई है। वो शिवा के पास नहीं है। शिवा के पास नहीं है तो कहाँ है पार्वती? यही चिंता तो हमें खाई जा रही है महारानी, आखिर हमारी बेटी गई कहाँ? हे भोलेनाथ, ये कैसी लीला है तुम्हारी, हमारी पार्वती न जाने कहां भटक रही होगी। उसकी तुम रक्षा करना शिव शंकर, उसकी रक्षा करना। Thank you.
पधार रहे हैं। जय शिव शंकर। महाराज आप और यहां संदेशा भेजकर हमें बुला लिया होता। राजपुरोहित जी, आप हमारे कुलगुरु हैं, आपके लिए हमारे मन में हमेशा सम्मान की भावना रही है, परंतु आपने झूठ बोलकर हमारे मन को अत्यंत ठेस पहुंचाई है। महाराज, हम आपको बार बार कह चुके हैं कि राजपुरोहित शंभुनाथ झूठ बोलने का महापाप करने से पहले मृत्यु को अंगीकार करेगा। हमें इस बात का दुख है कि आपने भी हम पर झूठा आरोप लगाया। पहले यह बताइए, आप किस झूठ की बात बोल रहे हैं? शिवा मरा नहीं, जीवित है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं उसे अपनी आंखों से देख कर आ रहा। शिवा जीवित है? नहीं, हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं होता। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप स्वयं शिवकुटी जाकर देख लीजिए। एक बात और बताता हूं आपको, किसी से द्वेष करके झूठे समाचार फैलाना आपको शोभा नहीं देता। हम क्या सुन रहे हैं? तुमने हमारे साथ छल क्यों किया? नहीं महाराज, मैंने स्वयं पाखंडी शिवा को इन हाथों से उस पहाड़ी के नीचे। चुप रहो मूर्ख! महाराज रतन सिंह के विश्वासपूर्ण शब्द झूठ नहीं हो सकते। सच्चाई का पता लगाने के लिए अब हमें स्वयं ही शिवकुटी पर जाना होगा। नमः शिवाय।
मौत को छुटला कर तू फिर से जीवित हो गया। तुम हो कौन? मैं शिवा ही हूं राज पुरोहित जी। तुम्हारी आंखों पर भ्रम का पर्दा पड़ चुका है। तुमने ना कभी भगवान को सही दृष्टि से देखा, ना भगवान के भक्त को। नहीं, नहीं, तुम शिवा नहीं हो सकते। शिवा तो मर चुका है, अवश्य मर चुका है। पहाड़ की चोटी से गिरने के बाद कोई बच ही नहीं सकता। सच बताओ, तुम शिवा के भूत तो नहीं हो? मैं भूत नहीं, भूतनाथ हूं। तुम सच्चे शिव भक्त हो, परंतु अपने मिथ्या अभिमान, घमंड और अहम के कारण तुम शिव भक्ति की शक्ति को अपने आप नष्ट कर चुके हो। अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए तुमने वो सब कुछ किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब भी समझ जाओ राजपुरोहित, और सच्चे दिल से मेरी ओर देखो तो तुम्हें शिव ही शिव दिखाई देंगे। भोलेनाथ, आपने मेरी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दिया। आपने मुझ पापी को साक्षात दर्शन दिए, परंतु मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं कितना भागा हूं भोलेनाथ, कितना भागा हूं। आप तो बड़े दयालु हैं भोलेनाथ, मुझे अपराधी को क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोल बम, बोल बम। सुनो बहन, तुमने मेरे शिवा को कहीं देखा? शिवा? हाँ। अरे हाँ, याद आया, कहीं वो शिवा की तो नहीं बात कर रही आप जो पहाड़ी पर से गिरा था? हाँ हाँ, वही मेरा शिवा, तुमने उसे कहीं देखा? अरे वो तो शिवानंद महाराज के साथ दर्शन करके अभी अभी यहाँ से चले गए। धन्यवाद। शिवा, पार्वती तुम? शिवा,
शिवा, शिवा तुम ठीक तो हो ना? हाँ पार्वती, मैं तो ठीक हूँ। वहाँ पे लोगों ने झूठी अफवाहें फैला दी थी कि तुम कि मैं मर चुका हूँ। हाँ पार्वती, मेरा जीवन तो समाप्त हो चुका था। यदि शिवानंद चाचा न मिलते और भगवान शिव जी की कृपा न होती तो तुम आज मुझे यहाँ ना देख पाती। पर मुझे पक्का विश्वास था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम मुझे मिल गए हो तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। चलो। लीजिए चाचा जी। चाचा जी, ये रतनपुर की राजकुमारी है पार्वती। नमस्ते चाचा जी। सदा सुहागन रहो शिवा बेटे, मैं तो इसे बचपन से ही जानता हूँ। अच्छा पार्वती, कभी तुम्हारी मेरी माँ से मुलाकात हुई थी? कैसी है मेरी माँ? अच्छी है। क्या कहा था उन्होंने मेरे बारे में? शिवा को पूर्व जन्म के किसी साधु का श्राप लगा है बेटी, उसकी आयु बहुत कम है। पार्वती, क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो कह रही थी कि मेरे बेटे की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण हो और वो दीर्घायु हो। अब इस यात्रा में आप लोगों के साथ रहके, आप लोगों की सेवा करके मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। इससे बढ़कर मेरे लिए संसार में और कौन सा सुख हो सकता है? ये क्या कह रही हो तुम पार्वती? मैं सच कह रही हूँ शिवा, भगवान शिव ने ही हम दोनों के बीच में ये स्नेह की डोर बांधी है, अब हमारा साथ कभी नहीं छूटेगा। चाचा जी, यदि भगवान शिव की यही इच्छा है कि यात्रा में पार्वती हमारे साथ रहे तो इसे हमारे साथ रहने दीजिए ना। जय भोलेनाथ। जब भगवान बैद्यनाथ ने पार्वती को हमसे मिला ही दिया है तो इसे भी हमारे साथ रहने दो, ठीक है? अब हम तीनों मिलकर ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेंगे। जय भोलेनाथ। क्या बात है माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू? बेटी, भोलेनाथ ही जानते हैं कि तेरा जीवन मेरे लिए कितना अनमोल है। लेकिन बेटी, तू सारी मोह त्याग कर कल ही अपने अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए निकल जा। वैसे भी मेरे कारण तेरी यात्रा में विघ्न आया है। तुम चिंता ना करो माँ, मैं कल सवेरे ही यात्रा पर निकल जाऊंगा। चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चल रे कावरिया शिव के धाम। माँ, ले बेटा,
भगवान तेरी यात्रा बिना किसी बाधा के पूर्ण करे। माँ तुम्हारा आशीर्वाद है तो कोई बाधा मेरे मार्ग में आ ही नहीं सकती। अपना ध्यान रखना माँ। तू बिल्कुल मेरी फिक्र न कर, लेकिन हाँ यात्रा पूरी किए बिना वापस नहीं आना। माँ की आज्ञा का पालन तो भगवान को भी करना पड़ता है, फिर मैं कौन होता हूँ। अब जा, मीठी मीठी बातें बोलकर माँ के मन में और मोह न जगा। अच्छा जा, मैं चलता हूँ। अच्छा। शिव की करुणा होगी, शिव की करुणा होगी। कावर कांधे धर के बना तू शिव नाम का जोगी, मन में रख भरोसा तुझ पे शिव की करुणा होगी, शिव की करुणा होगी। कावर साधना है न्यारी, कावर शिव को बहुत प्यारी। कावर साधना है न्यारी, कावर शिव को बहुत प्यारी। चल रे कावरिया शिव के धाम, चल रे कावरिया शिव के धाम, चल रे कावरिया शिव के धाम, चल रे कावरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मो। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महा सोमनाथम से श्री शैले मल्लिकार्जुन उज्जयिनी महाकालम ओंकारेश्वर मुरेश्वरम वरल्य वैद्यनाथम से डाकिन्नाम भीम शंकरम सेतु वंदेति रामेश्वरम। चलो हाथ मोड़ लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आती हूँ। भोजन? शिवानंद चाचा को तो आने दो, वे तो कहीं आसपास के मंदिरों में दर्शन करने गए हैं, कह रहे थे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। पार्वती तुम तो महलों में रहने वाली राजकुमारी हो ना, क्या तुम्हें भोजन बनाना आता है? यात्रियों के साथ रहकर भोजन बनाना भी सीख लिया। पार्वती ना जाने तुम्हें मेरे लिए और कितने कष्टों का सामना करना पड़ेगा। प्रेम कष्ट नहीं देखता, वो तो सिर्फ त्याग करना जानता है। और फिर मैं ये कैसे सह सकती हूँ कि तुम इतने कष्ट उठाओ और मैं महलों में रहूं? पार्वती तुम सचमुच महान हो। कुछ अपनी भी तो कहो। पार्वती पता नहीं कैसा श्राप लगा है मुझ पर, शिवानंद चाचा भी कहते कहते चुप हो जाते हैं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है कि मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। नहीं नहीं ऐसा ना कहो। शिवा बेटे, बेटी पार्वती। आइए शिवानंद चाचा, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं भोजन लगाती हूँ। पार्वती बेटी, जब से तुम हमारे लिए भोजन बनाने लगी हो हमें पता चला कि भोजन क्या होता है। ये तो मेरे अहोभाग्य है। आप बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए भोजन ले आती हूँ। ठीक है, बैठो बेटे। ओम नमः शिवाय।
पारस होना, मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन जाए सोना। चल रे कावरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल तेरा कुछ न लगेगा मोल। कावेरी कानमर्दयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मांधात्रिवरेव संतम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। कपड़े मैं धो देती हूँ, ये काम तुम्हारा नहीं है। नहीं पार्वती, एक राजकुमारी को ये काम शोभा नहीं देता। राजकुमारी को तो मैं राजमहल में ही छोड़ आई हूँ, अब मैं केवल पार्वती हूँ, अपनी शिवा की पार्वती। कहाँ जा रहे हो शिवा? हमारे भोजन के लिए प्रबंध करने जा रहा हूँ। यात्रा में मैं और शिवानंद चाचा दोनों कहीं भी भोजन कर लेते थे, लेकिन अब तुम साथ हो ना इसलिए। तो क्या ऐसे ही जाओगे? पार्वती, हम तो रमता जोगी हैं। कपड़े तो पहनते जाओ। अच्छा लो। अगर इसी तरह इन दोनों का संबंध बढ़ता रहा तो यात्रा अधूरी रह जाएगी और जमुना भाभी का सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी पूरा नहीं होगा। हे भोलेनाथ, अब हमारी बेटी की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है प्रभु, तुम्हारे ऊपर। कितने दिन बीत गए, पता नहीं कहां होगी हमारी बेटी, न जाने कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा होगा उसे। पार्वती, तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है ना? नहीं। अच्छा पार्वती, तुम मुझे बहुत प्यार करती हो ना, तो मेरी एक बात मानोगी? हाँ कहो। मैं तुम्हें राजमहल लेकर चलता हूँ। नहीं, मेरी बात मान लो पार्वती। मैं तुमसे जुदा होने की बात सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अच्छा भाई, थोड़ा सा विश्राम कर लो, ठीक है? क्या बात है चाचा जी? आप किस गहरे सोच में पड़े हुए हैं? बेटा, मैं सोच रहा हूं तुम्हारे उस प्रतिज्ञा के बारे में जो तुमने अपने मां के सामने की थी कि तुम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण करके अपने पिता का अधूरा संकल्प पूरा करोगे। परंतु जब से पार्वती तुमसे मिली है तो
तुम्हारा ध्यान बटता ही जा रहा है बेटे, तुम्हारा ध्यान बटता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पार्वती के लिए तुम्हारे मन में मोह बढ़ता ही जा रहा है। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेचारी पार्वती अपना राजमहल का सुख छोड़कर हमारे साथ बहुत कष्ट उठा रही है, उसके लिए हमें तो पार्वती का त्याग सचमुच महान है बेटे, ये तो मैं भी मानता हूं। परंतु वो सच जिसे बताने से मैं बार बार हिचकिचाता रहा, वो सच बताने का समय आ गया है बेटे, वो समय आ गया। कौन सा सच? सच सुनना चाहते हो तुम? यदि तुम अगली शरद पूर्णिमा से पहले 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा समाप्त नहीं कर पाए तो वो रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात होगी बेटे, वो रात तुम्हारे जीवन की अंतिम रात होगी। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी जीवन संगिनी पार्वती विवाह से पहले विधवा हो जाए? तुम्हारी माँ अपने जवान बेटे की मौत का दुख सहन कर पाएगी? नहीं नहीं बेटे नहीं। अच्छा यही होगा कि हम उसे बिना बताए चुपचाप अगली यात्रा के लिए निकल चले। शिवा बेटे, पार्वती की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस भोलेनाथ ने तुम दोनों को मिलाया वो भोलेनाथ ही उसकी रक्षा करेंगे। हाँ जा बेटे जा। पार्वती मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जा रहा हूं। शिवा को नहीं देखा। बाबा, बाबा आपने मेरी शिवा को कहीं देखा? नहीं तो। शिवा, शिवा! होना
मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना। आगे बढ़ता जा तू प्यारे बाबा तेरी बात निहारे, आगे बढ़ता जा तू प्यारे बाबा तेरी बात निहारे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। सुताम्र पर्णी जलराशि योगे निबद्ध से तुम विशिखैर संख्यैः, श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। श्रीशैलशृङ्गे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतं, तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्र सेतुं। इतनी सुंदर कन्या और इस जंगल में अकेली, ऐसी सुंदर कन्या की मुझे जन्मों से तलाश थी। अब मैं तुमसे शादी करके अपना जीवन सुख शांति से गुजारूंगा। आप ही की कृपा से हमारे उजड़े हुए आंगन में हरियाली खिल उठी थी, उसे क्यों सुना कर दिया प्रभु। रक्षा करो, रक्षा करो। भोलेनाथ इतने कठोर नहीं हो सकते महारानी, धीरज रखो महारानी। जगदेवा अम्बे मा, हे
यम दाकिनी शाकिनिका समाजे निषेव्यमानं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपद प्रसिद्धं तं शंकरं भक्तहितं नमामि। हे भोलेनाथ, मेरी बेटी के जीवन की कुछ ही दिन शेष है, उसके सर पर मृत्यु का श्राप मंडरा रहा है, उसकी यात्रा निर्विघ्न पूरी करना, उसे लंबी आयु का वरदान देना। जय भोलेनाथ। न जाने पार्वती कहां दर दर की ठोकरें खा रही हो। शिवा बेटे जी, क्या सोच रहे हो? मैं जानता हूं तुम पार्वती के बारे में ही सोच रहे हो, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमने 11 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण कर ली है। अब अंतिम ज्योतिर्लिंग घुष्मेश्वर के दर्शन करके तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं, सारे संकट टल जाएंगे बेटे, और पार्वती भी मिल जाएगी। जय घुष्मेश्वर महादेव। चलो। शिवा को, अब तुम्हारा शिवा मैं हूँ। मैं मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। अरे बोले शंकर, क्या रक्षा करेगा। शिवा बेटी क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा शिवानंद चाचा। नहीं, भगवान भोलेनाथ, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो तुम? शिवानंद चाचा, ये क्या हो गया शिवा को? नहीं बेटी, यदि आज तुम हमसे ना मिलती तो हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण हो जाती। तुम्हें मालूम है आज की रात शिवा बेटे के जीवन की 20वें वर्ष की अंतिम रात है बेटी। शिवा बेटे अब क्या होगा बेटी? यदि कल के सूर्योदय से पहले घुष्मेश्वर महादेव की शिवा के हाथों पूजा संपन्न ना हुई तो कल के दिन इसकी मृत्यु अटल है बेटी। मैं मन वचन और कर्म से तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मैं तुम्हारे
जाऊंगी और शास्त्र में कहा गया है ना कि पत्नी का पुण्य पति को प्राप्त होता है। मैं कल सूर्य निकलने से पहले कुश्मेश्वर पहुंचकर तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगी और महादेव शिव को जल चढ़ाकर तुम्हारे प्राणों की भीख मांगूंगी। बेटी, कुश्मेश्वर महादेव का मंदिर बहुत दूर है, वहां तक तुम्हारा पहुंचना भी असंभव है। आज मैं असंभव को भी संभव कर दूंगी। डावाडोल हो रही है, अब हम अपनी पार्वती को ढूंढने कहां जाएं महारानी? किधर जाएं मेरी कुछ समझ में नहीं आता। धीरज रखिए महाराज, भोलेनाथ हमारी बेटी की रक्षा स्वयं करेंगे। वो अवश्य लौट आएगी, अवश्य लौट आएगी। Thank you.
सब भाई साहब सुनिए, जरा हमारी मदद कीजिए भाई। बेटा शिवा, हम घृष्णेश्वर पहुंच गए, संभल के आओ बेटा, आस्ते संभल के। इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वंदे महोदारतर स्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। शिवा शिवा आओ, शिवा आओ, संभल के त्रिलोचना भस्मांगरागा महेश्वरा नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय। जय घृष्णेश्वर महादेव। बेटी पार्वती, हम तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न हुए। बेटे शिवा, तुमने कांवर में गंगा जल लेकर मेरे 12 ज्योतिर्लिंगों की जो यात्रा की है उससे हम अति प्रसन्न हुए। इसलिए बेटे, तुम्हें नवजीवन देकर हम तुम्हें सदा के लिए श्राप मुक्त करते हैं और आज के बाद तुम्हारे दुख और संकट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तपस्या सफल हुई भोलेनाथ। पार्वती, मैं देख सकता हूँ। पार्वती शिवा, तुम देख सकते हो? हाँ पार्वती। शिवा, तुम्हारे जीवन से संकट के बादल सदा के लिए हट गए। हाँ पार्वती। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, भगवान भोलेनाथ ने मुझे आज से नया जीवन दिया है। जय भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्वती बहन, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भोले शंकर ने तुम्हारा सुहाग लौटा दिया। शिव का नाम लो, हर संकट में ओम नमो शिवाय। बस ये नाम जपो, शिव का नाम लो। जय शंभु कहो, जय शंभु कहो। जब कोई मुश्किल आए